Yo guys, welcome to my first video. तो आज मैं कुछ 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग को पता चले कि कोरोना कितना खतरनाक है। तो हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, धरती में एक नया खतरा जन्म ले चुका है जिसको लोग कोरोना वायरस या COVID-19 के नाम से कहते हैं। तो तुम लोग में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि कोरोना साउथ ऑफ चाइना वुहान ये एक जगह से आए हैं। तो वहाँ पे एक सी मार्केट है, सी फूड मार्केट, जो सिर्फ सी फूड ही नहीं और भी बहुत सारे जानवरों का बलि चढ़ा के सर्व किए जाते हैं खाने के लिए, जैसे कि फिश, शार्क्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स। और ये यहीं पे इन लोग का लिस्ट ख़त्म नहीं होता। ये लोग महाश्री है, ये कुछ भी खा लेंगे। आप झाड़ पत्ती भी दे दो ना, वो भी खा लेंगी। ये लोग तो कॉकरोच वगैरह भी खा सकते, झाड़ पत्ती क्यों नहीं खा सकते? ये लोग कॉकरोच, बग्स, कुत्ते, फिर चमगादड़, सांप वगैरह खाते। ये सब भाई मैं सच्ची में कह रहा हूँ, चाइना में देख के ना मेरा सिर घूम जाता है। मैं बस एक ही सोच में पड़ जाता हूँ, ये लोग ये सब खाते कैसे? ने कौन सा ऐसा जादुई पार्ट है इनके पेट में जो ये ऐसे सब चीज़ें हजम कर लेते? तो उसको जोड़ते हैं, पॉइंट पर आते। तो ये जो खतरनाक महामारी है वो वहाँ से आया। और ये जो ये खतरनाक महामारी है ये खतरनाक महामारी हवा से या फिर एक ऐसे बंदे से फैलता है जिसके पास ऑलरेडी कोरोना हो। तो जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तभी जो अपने अंदर का वायरस है वो हवा में मिक्स हो जाता है, वो हवा में चला जाता है। और फिर वही हवा जिससे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी में वही हम इनहेल कर लेते हैं, वही हम ले लेते हैं अंदर। तो यही वो पल होता है जब कोरोना हवा से फैलता है। मैंने यहाँ पे एसी चला रखा है, कहीं उसमें कहीं उसके अंदर से कोरोना ना हो। भाई प्लीज़ तुम लोग ना अपना एसी चेक करवा के, एसी फैन चेक करवा के ऑन करना, कहीं वहाँ पे कोरोना चिपक के ना बैठ जाए। चलो फिर दूसरा पॉइंट जो ऑलरेडी है उनके पास कोरोना, जो ऑलरेडी अफेक्टेड है कोरोना से, उनसे कैसे फैलते हैं? तो हम यूजुअली क्या करते हैं जब हम दोस्त से मिलते हैं? हैंडशेक, हाई फाइव, ये करते हैं। तो फिर अगर इस टाइम में हमने हैंडशेक, हाई फाइव दिया तो फिर वो हमें फैलेगा। ये एक पल होता है जब वो हैंडशेक, हाई फाइव, मतलब कॉन्टैक्ट से आती है कोरोना। तो अभी बात करते हैं कि ये जो कोरोना है वो लोगों पे असर कैसे कर रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे महाश्री नरेंद्र मोदी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उन लोगों ने एक नेशन वाइड लॉकडाउन खोला है। हाँ, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था। तो इससे ना बहुत लोगों को बहुत लॉस हुए हैं। मैं वैसे बहुत इमोशनल हूँ, मैं बस सोचते इमोशनल जाता हूँ। ठीक है, तो वो छोड़ते हैं। तो लॉस हो कैसे है? तो
कुछ लोगों ने तो अपना नौकरी खो दी होगी, ये स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह वगैरह सब बंद है। और अभी तुम लोग का अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी चालू होगा और टीचर लोग ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं। तो ये जो कोरोना आया उसने लॉकडाउन लाया और फिर लॉकडाउन से बंदों को बहुत लॉस हुआ, जिनके लिए भी लॉस हुआ है भगवान उनका भला करे। और अब आते हैं चौथे पॉइंट से, आई मीन चौथे पॉइंट में, तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। तो जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप नेट चलाते हो तो आपने एक बहुत अनोखा चीज़ देखा होगा कि ये लोग हमारे दुनिया हमारा पूरा दुनिया मिलके नेट में प्रिकॉशंस भेज रहे। तो ये एक तरीका है कोरोना से बचने के लिए, पर सारे प्रिकॉशंस सही नहीं होते, सब यूजफुल नहीं होते, कुछ फेक प्रिकॉशंस होते हैं, प्लीज उनको पहचानिए और उसका उपयोग ना कीजिए। तो जितना मुझे पता है मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। पहले तो आप घर पे रहिए और कुछ जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए, और बाहर निकलते वक्त एक मास्क अपने मुंह में पहनो और एक सैनिटाइजर कैरी करो। मास्क कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, डिजाइन के लिए नहीं होता, कुछ लोग यहाँ पे पहनते गले, जैसे कोरोना नाक और मुंह से नहीं गले से अंदर जाते। और कुछ लोग तो ऐसे सर में हेयर बैंड करके पहनते नहीं, प्लीज मास्क बनाया है बचने के लिए, प्लीज फैशन अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, वो कोरोना के बाद में करो। जा मास्क का सही से उपयोग कीजिए और सैनिटाइजर को अपने साथ हमेशा रखिए। और अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एक आदमी से 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर की दूरी रखिए, ऐसे चिपक के ना रहिए। और अगर आप अपने सामान वगैरह खरीद के अंदर रहते हो तो फिर उसे बस पानी से नहीं, जो पार्सल वगैरह है उसको ना डिसइंफेक्ट से या फिर सैनिटाइजर से पहले सैनिटाइज करो और फिर खोलो। ये सब्जी फल वगैरह के लिए पहले उनको सोप से धो, फिर उनको थोड़ा पानी से भी धो और उसके बाद उन्हें काम में लो। और तुम लोग को 20 सेकेंड तक, जो लोग हैं उनको 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने हैं। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप जो लाइफ बॉय बता रहे हैं कुछ टिप्स, ये दोस्ती झगड़ा मगरमच्छ तितली और चाबी, ये 5 से बड़ी आसानी से हाथ धोया जा सकता है। या फिर आप कोई गाना गाते हुए हाथ धो, ये भी एक तरीका है। और फिर क्या करूँ, हाँ मुझे इतने टिप्स आए थे मेरे मन में, अभी इतने आ रहे हैं जितना मैंने अपने घर में बाहर ऑब्जर्व किया है, मेरे मन में उतने आ रहे। और कोरोना के कुछ सिम्टम्स मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ड्राई कफ, फीवर, बुखार, सर्दी, फिर सर दर्द, शरीर में दर्द, ये वगैरह वगैरह, ये सब है कोरोना के कुछ कॉमन सिम्टम्स। और
जो सिवियर सिम्टम्स हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, उनको पहले हॉस्पिटलाइज किया जाता है और फिर उनको ऑक्सीजन वगैरह दिए जाते हैं और फिर उनको और फिर वेंटिलेटर लगाए दिए जाते हैं। और एक और है जो एक सिम्टम है कोरोना का, वो है तुम लोग जब स्मेल करते हो वो स्मेल चले जाते हैं, मतलब आप सूंघ नहीं पाओगे। और फिर एक और है कि जब आप कुछ खाओगे आपको उसकी स्मेल नहीं होगी। ये दो और सिम्टम्स हैं कोरोना के एग्जिस्टेंस के। अभी मैं भाई साहब भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भगवान ने फाइनली हम लोग की मदद करी थी। दो देशों को वैक्सीन ढूंढने में मदद करवाई दी, एक तो हमारा रशिया साहब है और एक हमारा इंडिया साहब। तो रशिया का जो वैक्सीन का नाम है वो है स्पुटनिक वी, SPUTNIK हाइफन वी। और रशिया अभी पहला देश कहलाया जाता है जिसने कोरोना का वैक्सीन ढूंढ निकाला है। भाई वैक्सीन है। और जो उनका पहला और जो उनका स्पुटनिक वी है उनका वैक्सीन, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बेटी को पहले इंजेक्ट किया था और फिर उसके बाद रशिया के लोगों को जिसको ये कोरोना हुआ नहीं था उनको दिया गया। और फिर अभी इंडिया, आपको पता ही है इंडिया कितना खुश न इंडिया कितना अच्छा नसीबों वाले है। इंडिया के पास 10-10 वैक्सीन है, वैक्सीन 10, और सब अंडर ट्रायल है लेकिन तीन उसमें से सक्सेसफुल है। एक है कोवैक्सीन, दूसरा है जाइकोव डी और तीसरा है मिनवैक्स। तो ये तीन बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये है हमारा वैक्सीन। अब मैं सारे देशवासियों के दिल का बात पूछता हूँ, मुझे पता है सब लोग क्या सोच रहे होंगे इस टाइम। ये कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए, हमें एक नॉर्मल जिंदगी वापस से जीनी है। पता है सबका मन में यही चल रहा है। तो मैं अपने मन का कहता हूँ, कोरोना हमारे जान का, हमारे जीवन का, हमारे पूरी दुनिया का एक दुश्मन है, एक विलन। और हमारे हीरोज हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनका प्लीज़ धन्यवाद करें कि रशिया जर्मन सबके डॉक्टर्स को कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ देशों ने वैक्सीन ढूंढ ली है। और फिर हमें जो मदद करते सबसे ज़्यादा वो है हमारे पुलिस वाले साहब और डिलीवरी बॉयज़। उन वो लोग हमारे इस पैंडेमिक में ज़िंदगी आसान बना दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। लॉकडाउन का इज्जत रखिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। मैं जब भी अपने खिड़की से बाहर देखता हूँ तभी मेरे को लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है, ऐसा लग रहा है जैसे पैंडेमिक खत्म और कोरोना तो इनका हरकत देख के भाग जाएंगे, वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। प्लीज लॉकडाउन का इज्जत रखिए, लॉकडाउन का कृपया करके फॉलो कीजिए और घर पे रहिए। स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद। कहाँ पे जा रहे हो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोग से मेरे दूसरे वीडियो में, आई मीन मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।